अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है आपके लिए लेकर आया हूँ कैटलॉग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप कैटलॉग क्या चीज होती है। पहले मैं आपको बताता हूँ कैटलॉग होती चीज क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आप अक्सर तो यूज करते हैं कि अपनी वेबसाइट होती है या किसी और की वेबसाइट पे किसी भी तरह का आप कंटेंट उठाने जाते हैं या किसी चीज को डाउनलोड करने जाते हैं, तो वहां पे एक अच्छे तरीके से जो है वेबसाइट बनी होती है वो आज के उसको कहते हैं कैटलॉग, जिसकी मदद से जो है अपनी कैटेगरीज हर चीज मतलब ऐड कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि आप वहां पे कोडिंग कर सकते हैं। आज वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको कैटलॉग जहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ पे आपको करने के लिए एडिट करने के लिए यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है। यहाँ पे आप बना बना भी सकते हैं कैटलॉग। यहाँ पे आपको सर्च करना है कैटलॉग, ओनली यहाँ पे लिख लेना है कैटलॉग। कैटलॉग लिखने के बाद यहाँ पे आपको सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिल रहा है। फिल्टर, आई थिंक फिल्टर है कैटलॉग यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन। इसका बीटा वर्जन भी है, बीटा वर्जन ना डाउनलोड करें तो बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 100K इसके डाउनलोडर्स हैं। यहाँ पे अभी अभी ये आया है ये ऐप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में। यहाँ पे देख सकते हैं 4.7 इसकी रेटिंग है, मतलब काफ़ी अच्छी रेटिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किया हुआ है यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे अपने जो है थीम्स बनाता रहता हूँ, तो इस वजह से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्टॉल करके ओपन कर लेना। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा है आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको समझाया हुआ है ये कैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स कोड ऑन द गिटअप, यहाँ मतलब ये जो सोर्स कोड है ये जो गिटअप के साथ लिंक हुआ हुआ है, इसको कर देते हैं डन। डन करने के बाद वो यहाँ पे देख सकते हैं आइकन्स, यहाँ पे देख सकते हैं आइकन्स, ये देखें सर आप हर चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ये चीज़ आइकन, जो चीज़ आइकन होती है मतलब जिस प्रोफाइल होती है, समझ लें कि उसको आइकन कहा जाता है। आइकन वो बनाने के लिए आपको कोड, ये देख सकते हैं आपको कोड की जरूरत पड़ेगी। इम्पोर्ट ये आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आपको देनी, मतलब आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी आपको यहाँ पे अपनी जो है वेबसाइट का लिंक देना होगा। क्लास यहाँ पे आइकन एग्जाम्पल यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे आप टाइप करके अपनी जो है थीम कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन हम मैं आपको टेक्स्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट कोड ये चीज़ है, मतलब हर चीज़ में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आप VS कोड में ये चीज़ करेंगे तो भी वर्क करेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाते हैं इमेज। इमेज चाहिए हमें जो है इमेज, यहाँ पे देखते हैं इतना बड़ा कोड लिखा गया है, यहाँ पे इतना बड़े कोड हैं जो लिखे गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जो आप यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ऐसे ही आप जो आप आपको मैं इमेज बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाते हैं आउट लेयर आउट जो होती है वो रो कॉलम बना सकते हैं यहाँ पे, इसकी मदद से कौन से रो हैं कौन से कॉलम हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो चल रहा है वो रो चल रहा है इसके, आई थिंक रो है, हाँ जी, रो है, ये रो है। अब सेकेंड जो ऑप्शन चल रहा है वो है कॉलम। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट ये कॉलम का लिखा गया है, कंटेक्स्ट जो है कॉलम है, ये कॉलम के ऊपर लिखा गया है। ऊपर वाला जो लिखा गया है वो लिखा गया है रोज में। फ्रेंड्स, आप ऐसे यहाँ पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये रोज कैसे होता है, ये कॉलम, ये रो है, कॉलम ये है, ऐसे मतलब आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लिस्ट 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 टाइटल, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इम्पोर्ट करनी है कौन कौन से जो नेम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ईमेल आपको करनी है, यहाँ पे लिंक पेस्ट करनी है। लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जो है ये कोड है, आप ये कोड जैसे लिखेंगे अपने VS कोड में या आप जो है पाइथन में वहाँ पे आपको रन करके दे देगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं थोड़ा सा नेविगेशन यहाँ पे नेविगेशन टाइप यहाँ पे टैब यहाँ पे देख सकते हैं टैब आपको ओपन करने के लिए एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये हर चीज़ में सेम होता है तो इस वजह से ये। फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एमिनेशन, बेसिक एमिनेशन हीरो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छी है, आप अगर यूज़ करना चाहें तो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऐसे इसको यूज़ किया जा सकता है।
और भी आप यहाँ पे इसे लर्न कर सकते हैं, अपने कोड्स हैं उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये थी वीडियो, अच्छी वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।